तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम करने वाले हैं चेक ट्रेन का लेटेस्ट वर्जन जो है 0.12.4 उसको इंस्टॉल करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्राउज़र हम ओपन करेंगे और चेक ट्रेन की साइट पे जाएंगे। हम जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ये कर रहे हैं मैक ओएस के लिए। मैं आपको अपने पीसी का स्पेक्स दिखा देता हूँ एक बार। सो मेरे पास जो मैक है वो है मैकबुक एयर 13 इंची और इसके अंदर मैक ओएस कैटलिना है। वैसे इसमें बिक्सर इंस्टॉल कर सकता हूँ बट मैंने नहीं किया है और इसके अंदर हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम साइट पे जब आ गए हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रहा हमारा डाउनलोड बटन। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कुछ। तो इससे पहले का जो वर्ज़न था प्रीवियस वर्जन के अंदर हम जाते हैं। सो 12.3 इसके अंदर 14.5 का सपोर्ट आया था लेकिन इसमें ना दिक्कत थी कि कुछ डिवाइसेस के अंदर क्या था बूट करने पे इशू आ रहा था कि जब मतलब जो चेकरिन का जो इंस्टॉलर ऐप होता है वो उसके अंदर पॉपअप नहीं हो रहा था। मतलब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा था बट पॉपअप नहीं आ रहा था और ना ही वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो पा रहा था। लेकिन इस वाले के अंदर वो इशू मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। वो बिल्कुल ठीक है जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा दिया है A9X डिवाइसेस में क्या होता है 14.5 पे बूट नहीं कर रहा था इस वाले वर्जन के साथ। लेकिन अभी वो वाला इशू फिक्स हो चुका है। हम इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक किया। अगर आप लिनक्स के लिए देखना चाहते हैं तो लिनक्स के लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम अभी मैक पे कर रहे हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो लिनक्स के लिए बना रखा है, आप उसको भी जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ओके, तो करंटली हम मैक के लिए कर रहे हैं। प्रोसीजर वैसे दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग है बट फिर भी लगभग सेम ही होता है इंस्टॉलेशन का। वो CLI में थोड़ा काम ज़्यादा करेगा, यहाँ पे GUI में काम ज़्यादा करेगा। ठीक है, ज़रा हम वेट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे जस्ट ये फिनिश हो चुका है हमारा डाउनलोड। सो हमको कुछ नहीं करना, जस्ट इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे वेट करें। इसके बाद आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप के बाद आपको आना है हमारे यहाँ पे फाइंडर के अंदर। फाइंडर में आप जाके एक बार देखना चाहे वहाँ देख सकते हैं, अदरवाइज लॉन्च पैड में भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पूछेगा आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, आप इसको ओपन करना चाहते हो, आपको ओपन करना है। और ये यहाँ पे खुल गया है लेकिन आपके में हो सकता है कि ये ना खुले। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको डाउनलोड कर रहे हैं तो हो सकता है आपके में ना खुले। उसके लिए आपको क्या करना है, सिस्टम प्रेफरेंसेस पे आना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे आना है। उसके जनरल में आके यहाँ पे आपको दिखेगा कि चेकरिन है, उसको आपको रन करना है। तो यहाँ एनीवे पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और अगर कोई और पॉपअप आए तो आपको बस अलो कर देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी। और यहाँ पे हमारा चेकरिन इंस्टॉल हो चुका है कम्प्लीटली और आप इसका पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर आपको कोई भी अगर नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हमारा हैंडल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और